नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। लश्कर कमांडर वसीम अहमद समेत दो आतंकी ढेर, सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। राहुल गांधी की ताजपोशी पर बोली सोनिया गांधी, जल्द ही कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे राहुल, दीपावली के बाद सौंपी जा सकती है कमान। शिवसेना का बीजेपी पर बड़ा हमला, मुखपत्र सामना में लिखा, चुनाव जीतने के लिए सभी तिगड़मबाजी कर रही है बीजेपी, भ्रष्ट तरीकों का इस्तेमाल करना लोकतंत्र के लिए गलत। बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन के बाद आज पहली बार मंच साझा करेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार, पटना यूनिवर्सिटी के समारोह में होंगे शामिल, निमंत्रण नहीं मिलने पर शत्रुघ्न सिन्हा नाराज। गुजरात में आज बीजेपी के दिग्गजों का लगेगा जमावड़ा, सुषमा स्वराज अहमदाबाद में महिलाओं से करेंगी सीधा संवाद, आदित्यनाथ योगी की गुजरात गौरव यात्रा, वहीं राजनाथ सिंह भी करेंगे जनसभा को संबोधित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की चोरी हुई कार गाजियाबाद से बरामद, दिल्ली सचिवालय के बाहर से हुई थी चोरी। मोबाइल और लैपटॉप खोल सकते हैं हनीप्रीत के राज, दो घंटे की पूछताछ के बाद विपासना ने पंचकुला पुलिस को सौंपा हनीप्रीत का फोन। फरीदाबाद में गौरक्षकों की गुंडागर्दी, बीफ के शक में ऑटो ड्राइवर समेत पांच लोगों को पीटा, पुलिस ने पांचों पीड़ितों के खिलाफ दर्ज किया मामला। अमेरिका की ईरान को परमाणु करार तोड़ने की धमकी, फ्रांस ब्रिटेन और जर्मनी ने ट्रंप के बयान पर जताया ऐतराज, कहा डील पर एक तरफा फैसला नहीं ले सकते ट्रंप, ईरान ने कहा अकेला पड़ा अमेरिका। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा T20 मैच रद्द, बारिश की वजह से नहीं हो सका मैच, सीरीज 1-1 पर बराबरी के साथ हुई खत्म। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें, देखते रहिए टीवी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।